हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सारे? आई होप सारे अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि स्नैपडील में जो ऑर्डर आता है उसका प्रोसेस क्या है, कि उसको जो है हम कैसे एक्सेप्ट करना है। तो सबसे पहले हम जाते हैं स्नैपडील के ऐप पे। ऐप में हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप डैशबोर्ड जो देख पा रहे होंगे, सबसे पहला ऑप्शन है होम, दूसरा है ऑर्डर। ऑर्डर में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जितने भी आपके ऑर्डर आ चुके होंगे वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा है ऐड टू प्रिंट। ऐड टू प्रिंट में हमें क्लिक करना है। तो यहाँ सिलेक्ट का हो जाएगा, दूसरे में भी सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर आपके पास कोई भी एक प्रोडक्ट नहीं है तो आपने क्या करना है, या मार्क आउट ऑफ सोल्ड में क्लिक कर देना है। बट हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है तो हमने यहाँ पे ऐड टू प्रिंट में क्लिक किया है। इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम प्रिंट भी क्लिक कर सकते हैं और बाय ईमेल भी जो है हम बिल भेज सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट में क्लिक किया। प्रिंट में क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आएगा कि आपको जो है मेल भी हो चुकी है, और मेल होने के बाद आपको इस तरीके से जो है बिल जो है जनरेट हो चुका है। तो सिंपली हमें यहाँ पे क्या करना है, इस फाइल को अपने किसी एक डायरेक्शन में जो है सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आप देख पाए होंगे यहाँ पे कि कोई भी पेंडिंग ऑर्डर नहीं आ रहा है। नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है वो क्या है, प्रिंटेड। अब जो प्रिंटेड क्या है कि यहाँ पे हमें एक मैनिफेस्ट प्रिंट होता है जो हमें कोरियर बॉय से रिसीविंग लेनी पड़ती है। तो हमें यहाँ पे मैनिफेस्ट में क्लिक करना है। उसके बाद हमें दूसरे सिलेक्ट को भी मैनिफेस्ट करना है। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगी कौन सा कोरियर बॉय जो लेके जाएगा, एक्सप्रेस भी लेके जाएगा, और दूसरा जो हमारा प्रोडक्ट है वो डिलीवरी बॉय लेके जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे मैनिफेस्ट में। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दो आ रहे हैं प्रिंट, मैनिफेस्ट के प्रिंट। पहले हमने जो डाउनलोड किया वो हमने किया था बिल, दूसरा हमारा मैनिफेस्ट जिसमें हमें रिसीविंग लेनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करना है प्रिंट में। यहाँ पे सेंड टू प्रिंटर में क्लिक कर सकते हैं। हमारा प्रिंटर अटैच नहीं है तो हमारा सीधा जो है पीडीएफ फाइल आ जाएगी इस तरीके की। इसको भी हमने सिंपली सेव कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे हमें दूसरा प्रिंटर है, दूसरा प्रिंट में क्लिक करना है, सेंड टू प्रिंटर में क्लिक करना है। इस तरीके से कुछ एरर आएगा, हमने इसको ओके करना है। यहाँ पे जस्ट जो है पीडीएफ फाइल जनरेट हो जाएगी। सिंपली हमें इस फाइल को सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे आप देख पाएंगे कि कोई भी पेंडिंग ऑर्डर नहीं है, कोई भी जो है प्रिंटेड ऑर्डर नहीं है, मैनिफेस्ट में आपको हो चुके हैं। बस सिंपली आपको यहाँ पे जो है कस्टम उसके कोरियर बॉय से रिसीविंग लेके आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो आई होप आप सबको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप वो सीधा जो है मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।